बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जूलॉजी बी चैप्टर नंबर 5 द सीडोसोलेनोइड बॉडी एस्केलमेंथीज को रीड करेंगे, जिसमें हम नेमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन को रीड करेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है पैरासाइट जो आ रहे हैं उसे हम एस्केरिस लैम्ब्रिकॉइड्स कहते हैं, जिसे हम जेंट इंटेस्टिनल राउंड वर्म्स ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं। अगर हम इनका इंट्रोडक्शन देखें तो ये इससे इस वर्म से जो है 800 पीपल जो है थ्रू आउट वर्ल्ड जो है इन्फेक्टेड हुए हैं। इनकी इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जिसमें डायरिया आ जाता है, एब्डोमिनल पेन्स आ जाते हैं, नोजिया और वोमिटिंग जो है इसकी मेन जो है काजेज आ जाते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो इनमें अडल्ट एस्केरिस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस में रहते हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है इंटेस्टाइन में डिवेलप हो रही होती है, और फीमेल जो है फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस करते हैं। ये एग जो है फीसिस के थ्रू जो है बॉडी से बाहर चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा जो होते हैं इनकी एग की वो रेपिडली डिवेलप होती है, मोल्ट होती है और मैच्योर होती है। सेकंड स्टेज लार्वा में अगर हम देखें तो सेकंड स्टेज लार्वा को हम इन्फेक्टिव स्टेज भी कहते हैं। जब ह्यूमन इंजेस्ट करते हैं एम्ब्रियोनिड एग्स को तो ये लार्वा जो होते हैं इंटेस्टाइन में हैच होते हैं। लार्वा जो होते हैं इंटेस्टिनल वाल में पेनिट्रेट कर जाते हैं, और जो लार्वा जो है वो सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स तक आ जाते हैं, जहाँ पे ये 2 टाइम जो होते हैं मोल्टिंग हो रही होती है। उसके बाद ये माइग्रेट होकर ट्रैकिया में आ जाते हैं और वहाँ पर स्वॉल्ड हो जाते हैं, मतलब थूक के साथ निगल लेते हैं। वर्म जो होते हैं वो सेक्शुअल मैच्योरिटी इंटेस्टाइन में हो रही होती है उनकी मैट, और ये एग प्रोजेक्शन जो होती है इनकी फिर स्टार्ट हो रही होती है। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो अडल्ट जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। इनकी अगर हम फीमेल का साइज देखें तो 22 to 35 जो है सेंटीमीटर होती है, मेल का जो साइज़ होता है 10 to 31 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद जो होती है इनमें डायग्नोस्टिक स्टेज आती है, जिसे हम अनडिवेलप्ड एग्स मौजूद होते हैं जो फीसिस में होते हैं। फिर इन्फेक्टिव स्टेज आती है, जहाँ पे एग्स जो होते हैं एम्ब्रियोनेट हो जाते हैं सॉइल में या 1 मंथ के लिए। उसके बाद जो है मेथड ऑफ इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इन्फेक्टेड एग जो होते हैं जिनमें लार्वा मौजूद होते हैं वो ह्यूमन जो होते हैं उन्हें ईट कर लेते हैं। उसके बाद जो लार्वा होता है वो एग्स को हैच कर लेता है और ये आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे ये लार्वे जो है पेनिट्रेट करते हैं इंटेस्टिनल वाल के साथ और फिर इंटर हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में, वहाँ से ये माइग्रेट होकर लीवर में आते हैं। उसके बाद जो है ये लंग्स पे ट्रैवल करते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। उसके बाद लार्वा जो होता है ब्रेकआउट हो जाते हैं लंग्स कैपरीज को, और ये एल्विलाई जो है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ से ट्रैवल करके ये ब्रोंकियाज में आ जाते हैं, जहाँ पे स्कफ टू फेरिंग्स होती है, स्वेल्यूड होते हैं और ये इंटेस्टाइन में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे लार्वे जो होते हैं मैच्योर टू अडल्ट हो जाते हैं, और इस तरह जो है इनका साइकिल रिपीट होता रह जाते हैं। लीवर टू लंग माइग्रेशन जो होती है 7 to 10 days में हो रही होती है, बाकी जो होता है वो प्रोसेस हो रहा होता है। अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो एंटीरियोबियस वर्मिकुलरेस जो है ह्यूमन पिनवर्म भी कहते हैं। ह्यूमन पिनवर्म जो है इसे हम एंटीरियोबियस जो है ग्रीक वर्ड है एंट्रियोन से निकला, जिसे इंटेस्टाइन या बायोस इंटेस्टाइन कहते हैं, और बायोस मीन लाइफ होती है। ये मोस्ट कॉमन राउंड वर्म पैरासाइट हैं वर्ल्ड में पाए जाते हैं, और ये कॉमनली जो है चिल्ड्रन में पाए जाते हैं। ये पैरासाइट जो होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, इसमें जो है बेचैनी होती है, स्लीपनेस मतलब नींद की कमी होती है, ईचिंग और इरिटेशन मतलब ईचिंग और इरिटेशन की वजह से नींद जो होती है वो कम आने लग जाती है, और बेचैनी जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम इसका लाइफ साइकिल देखें तो एंट्रियोबियस वर्मिकुलरेस जो होते हैं वो लोअर रीजन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो वहाँ में मौजूद होती है, जिसमें कोकोन या कोलन जो होती है वहाँ पे ये सीकम में ये पाए जाते हैं। एट नाइट जो होती है ग्रेविड फीमेल्स जो होती हैं, जिसमें ऐसी फीमेल जिसमें फर्टिलाइज एग मौजूद होते हैं वो माइग्रेट करते हैं सीकम से पेरिएनल एरिया तक आते हैं, जहाँ पे डेपोजिट एग जो होते हैं वो फर्स्ट लार्वा स्टेज जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और वो डाई कर जाते हैं। फीमेल एग्स जो होते हैं वो इचिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं, जिसके थ्रू जिस पर्सन को ये हो रही होती है वो स्क्रैच करता है, इच करता है मतलब ख़ारिश करता है, जिसके बाद ये कंटेमिनेट जो होते हैं हैंड बेड क्लॉथ
मतलब जो कपड़े वगैरह होते हैं उन पे फैल जाते हैं और जिसमें एग मौजूद होते हैं। जब ह्यूमन जो होते हैं इन एग्स को इंजेस्ट कर लेता है तो एग जो है हैच करते हैं। लार्वा जो होता है 4 टाइम मोल्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और माइग्रेट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे मैटिंग जो होती है फीमेल और मेल दोनों में हो रही होती है। उसके बाद जो है एग प्रोजेक्शन जो होती है स्टार्ट होने लग जाती है। अगर हम साइकिल देखें तो अडल्ट जो होते हैं लिविंग कॉलोन होते हैं तो उन फीमेल जो होते हैं साइज उसका 18 to 13 millimeter होता है और मेल का जो है 2 to 5 millimeter होते हैं। सेकंड नंबर पर जो होते हैं इनकी डायग्नोस्टिक स्टेज होती है, जहाँ पर ग्रेविड फीमेल जो होते हैं माइग्रेट करते हैं प्रियनल रीजन टू दी ले एग्स। फिर उसके बाद जो है इन्फेक्टेड स्टेज होती है, एग जो होता है डिवेलप करता है इन्फेक्टेड स्टेज से इंटू 2 to 4 6 hours, मतलब 4 to 6 hours जो है उनमें ये स्टेज डिवेलप होती है। उससे एग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हाउस एयर। फिर उसके बाद जो मेथड ऑफ इन्फेक्शन देखते हैं, जो एग जो हो इंजेस्टेड हो रहे होते हैं यूजुअली हैंड टू माउथ जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट मतलब खारिश करते हैं, तो उसके बाद हम माउथ वगैरह पे हाथ लगाते हैं तो वो माउथ से इंटर हो जाते हैं। फिर एग हैच करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्वा मैच्योर हो जाते हैं और ये अडल्ट हो जाते हैं। इस तरह जो है ये प्रोसेस जो है रिपीट होता जाता है। थर्ड नंबर पर पैरासाइट है, जिसे हम निकेटर अमेरिकेनस भी कहते हैं, जो कि न्यू वर्ल्ड हुकवर्म्स कहते हैं। अगर हम देखें ये न्यू वर्ल्ड या अमेरिकन हुकवर्म्स कहलाता है, जिसे हम निकेटर अमेरिकेनस कहते हैं, जिसमें निकेटर जो है वो उसे हम किलर कहते हैं। ये लैटिन वर्ड से निकला है। ये एंटीरियर एंड बैंड होते हैं जो कि डॉर्सल साइड क्रिएटिंग अ हुक, इसलिए इसे हम हुकवर्म्स कहते हैं। ये अडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में लीव करते हैं और ये इंटेस्टिनल वॉल को अपनी दांतों के थ्रू जो है ये पकड़ते हैं और उसे फीड करते हैं, मतलब खुद को फीड करते हैं किस पे, ये टिश्यू फ्लूइड और ब्लड पर। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो इनमें लाइफ साइकिल में जो इंडिविजुअल फीमेल जो होती है वो एज मैनी एज 1000 eggs जो है डेली प्रोड्यूस कर रही होती है। एग्स जो होते हैं वो फीसिस के थ्रू बॉडी में मतलब पास आउट होते हैं। एग जो है हैच करते हैं वार्म मॉइस्ट सॉइल और उससे रेबडिटी फॉर्म जो होती है फर्स्ट और सेकेंड लार्वल स्टेज कहलाते हैं, जिसे जर्मलाइन ऑफ सम नेमेटोड लार्वा में मौजूद होती है और इन मोल्ट और ये बिकम इन्फेक्टेड करती है। फ्लेरी फॉर्म में चली जाती है जो कि इन्फेक्टेड थर्ड स्टेज लार्वा होती है। सम नेमेटोड्स में ह्यूमन जो है बिकम इन्फेक्टेड हो जाता है फ्लेरी फॉर्म लार्वा से और उससे पेनिट्रेट करता है स्किन। यूजुअली जो है टूज मतलब पाँव की उंगलियों के थ्रू ये इंटर हो जाता है। लार्वा जो होता है ब्रोज होते हैं स्किन में और ये सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाते हैं, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और ये अडल्ट हो जाते हैं। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो ये अडल्ट जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। फीमेल का साइज जो है 9 to 13 millimeter होता है, मेल का जो है 5 to 11 millimeter होता है। इनमें डायग्नोस्टिक स्टेज जो है एग्स इन फीसिस होते हैं, एम्ब्रियो जो है उसके बाद जो फेस आती है एम्ब्रियो डिवेलप होते हैं रेपिडली टू रेपिडिटी फॉर्म्स में, जो कि फर्स्ट स्टेज लार्वा होता है जो कि हैच करता है सॉइल में 24 to 48 hours के लिए। उसके बाद रेपिडली जो है मूइट का मतलब मोल्ट करते हैं ट्वाइस टू बिकम करने के लिए। फिर इन्फेक्टेड स्टेज आती है जिसमें जो थर्ड स्टेज लार्वे की कहलाती है। उसके बाद मेथड ऑफ इन्फेक्शन देखें तो फ्लेरी फॉर्म जो होते हैं लार्वा पेनिट्रेट करता है ह्यूमन की स्किन में, उसके बाद ये इंटर हो जाता है लम्फेटिक्स में और ब्लड स्ट्रीम में, फिर ये ट्रैवल करता है लंग्स तक थ्रू ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद ये लार्वे जो होते हैं ब्रेकआउट हो जाते हैं लंग कैपिलरीज में और इनटू एलोविलाई। उसके बाद ये ब्रोंकियोल्स काफ्ट टू अप फेरिंग्स सॉल्ट करता रिटर्न टू इंटेस्टाइन आता है, जहाँ पे लार्वा जो होते हैं मैच्योर होकर अडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं। इस तरह जो है ये साइकिल कम्प्लीट होता है।